लड्डू के भैया को आपने काहे नहीं बताया कि आपके हाथों में गेम लगा हुआ है? बाबू जी, इट्स नॉट गेम, इट्स गम, GUM गम। सही पकड़े हैं। हाय फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्कार, कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, भले चंगे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम है और बच्चों लोग को कुछ मन पड़ रहा है खाने के लिए। मॉर्निंग टाइम होते ही ना कुछ मन करता है खाने को, तो चलिए फिर मैं कुछ बनाने वाली हूँ मॉर्निंग पे। और अभी मैंने झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया, लेकिन उन लोग को बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है, तो चलिए फ़िलहाल क्या बना रही हूँ, चलिए आप लोग भी देख लो। मैं बना रही हूँ क्या बता भी देती, सस्पेंस नहीं रखूँगी और बच्चों को नाश्ता बना देती, इसके बाद ही मैं जाऊँगी नहाने। तो मैं बनाने वाली हूँ इडली, तो इडसेंस से बनने वाला, मतलब बहुत ही जल्दी बनने वाला है इडली। कौन सा? सूजी का इडली, रवा इडली बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से उसको हम बना सकते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से बना लेती हूँ, ठीक है। दोस्तों, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ, सेट बनने वाला है, बहुत ही जल्दी बन जाता है जब भी बच्चे लोग को भूख लगे। तो ये देखिए, मैंने इससे एक आधा किलो का पैकेट, मैंने इससे इसे मैंने एक पैकेट पूरा सूजी फुला दिया है, रवा जिसको बोलते हैं, और उसमें मैंने एक कप भर के दही लिया है, खट्टा दही है हमारे पास, और फिर उसको हमने फुला के रख दिया है। तो चलिए, जब तक इसको पाँच मिनट के लिए साइड में रख देती हूँ, तब तक के लिए इडली का साँचा मैं रेडी कर लेती हूँ। तो इसमें ऑयल ग्रीस करनी है और उस पर मैंने एक आधा गिलास पानी डाल के चढ़ा दिया है इडली कुकर में, और इसमें हम ऑयल ग्रीस कर लेते हैं ताकि इडली हमारी बहुत ही आसानी से निकल जाए, टूटती नहीं है, बहुत ही आसानी से हमारी इडली रेडी हो जाती है। और इसको ना बस 5 मिनट के लिए मैंने रखा हुआ साइड पे, 5 मिनट हमारा रवा फूल जाएगा और फिर उसमें हम जोंगे का प्रोसेस है वो करेंगे, और ये बहुत जल्दी हमारी इडली बनकर रेडी हो जाती है। कोई भी मेहमान आपके यहाँ आते हैं, फटाफट से आप बना के इसको खिला सकते हो, तो बहुत ही जल्दी बन जाता है। बस बच्चों का फरमाइश होता है, और गर्मी है, बच्चे घर पे रहते हैं, कुछ ना कुछ खाने को मन करता रहता है, हाँ माओ को भी तैयार होना पड़ता है कुछ ना कुछ जब बच्चे बोले बनाने के लिए। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक कप दही डाला था और एक कप भी मैंने पानी डाला था। इसका भी तो पतला नहीं करना है, क्योंकि पतला हो जाएगा तो फिर वो सही से नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम डालते हैं एक पैकेट इनो, बस एक पैकेट यहाँ पे हमने इनो का यूज किया है। तो ये देखिए, इनो डाल देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे स्पून सा, और थोड़ा सा हम डाल देंगे ऊपर से पानी, ताकि ये जो इनो हमने डाला ना, ये अच्छी तरह से इसमें मिल जाए और इसको अच्छी तरह से हम चलाते रहेंगे। और जब चलाते रहेंगे, ये देखिए, ये फूला फूला सा दिख रहा है ना, फ्लफी हो गया, और ये बहुत ही बढ़िया मतलब स्पंजी बनेगा। और चलिए फिर सभी सांचों में हम बटर भर देते हैं। तो हमारे ये सिल्वर सिलिकॉन का है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। स्टील का भी आता है, बट ये स्टील से अच्छा है ये सिल्वर का होता है। यदि आप लोग पूछ रहे हो कि कौन सा इडली का सांचा सबसे ज़्यादा बेटर होता है, तो ये स्टील का से अच्छा है, हमारा ये सिलिकॉन का सिल्वर का बेटर सुपर होता है। और इसमें मैंने पानी डाल के चढ़ा दिया था इडली कुकर को, इसमें मैंने डाला था 1 से 1.5 गिलास पानी, और उसके बाद जाली लगा दिया, और इसके बाद चलिए फिर अभी इसमें बटर डालती जाऊंगी, स्टैंड को रखती जाऊंगी, तो ये हमारा फटाफट से रेडी होता जाएगा। ये देखिए, मैंने सारे साँचों को भर दिया, अब इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए इसको रखे दे रहे हैं ढक के, तो 5 से 7 मिनट बाद ये रेडी हो जाएगा। अब 15 मिनट हो चुका है, अब चलिए देख लेते हैं हमारी इडलियाँ तैयार हो चुकी हैं, ठीक है। ये देखिए, इसका कलर चेंज हो गया, मतलब ये देखिए हाथ में बिल्कुल भी नहीं लग रहा, मतलब ये रेडी हो चुका है। तो
हमेशा कोई कपड़े से पकड़िए और यहाँ पे इतना मीटर और बचा है, मैं इसको भी उठा दूंगी और देख दूंगी और बस इसको थोड़ी ठंडा हो जाने दे रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है और देखिए बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं, ठंडा हो जाए फिर भाजी ना करें टूट फूट जाएंगे। ये देखिए ठंडा होने के बाद बस चाकू की नोक या चम्मच की किनारी नोक से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए इतनी बढ़िया हमारी ये स्पंजी से इडली बनकर रेडी हो चुकी है। आप लोग को भी जब भी इडली खाना हो बनाना हो आप लोग भी ऐसे फटाफट से कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों लोग को ना टोमेटो सॉस के साथ पसंद आता है हर एक चीज़ और टोमेटो सॉस के भक्त होते हैं, तो यहाँ पे मैंने चटनी नहीं बनाई है बस टोमेटो सॉस के साथ ही सर्व कर रहे हैं। आप चाहें तो मूंगफली का और नारियल का फटाफट। चलिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। कितने स्पॉन्जी बने हैं ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया इडली बने हैं और इंस्टेंट बनने वाला है और ये देखिए कितने बढ़िया फ्लफी बने हुए हैं, तो आप लोग इसको भी ज़रूर बनाइएगा। और ये देखिए मैंने चटनी सरी बनाई क्योंकि फटाफट से मैं रेडी करना था, बच्चों को बड़ा ही मन हो रहा था खाने का, तो फटाफट से आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो चलिए फिर देख के आते हैं। ये बच्चों को दे के आते हैं बेटा। थैंक यू। अभी इन्हें लग रही थी सुबह सुबह की भूख ना, बनाना से ज़रूरी है जो बना जैसे बना। और चलिए अब इनको भी हम निकाल लेते हैं। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोगों मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय बाय, राधे राधे।